नमस्कार। दिनभर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के दो जवानों को पूर्व नियोजित तरीके से धोखा देकर मारना और सिर काटने वाली क्रूरता के बाद कायर पाकिस्तान मुंह छुपा रहा है। भारत के शहीद जवानों पर झूठ बोलने में लगा है कि कृष्णा घाटी में उसकी सेना ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, जबकि पाकिस्तान की इस तरह की क्रूर और कायर हरकतों का पुराना रिकॉर्ड रहा है। सवाल यह है कि भारत के शहीद जवानों पर झूठ बोलकर कब तक पाकिस्तान खुद को बचाता रहेगा, क्योंकि क्रूरता और बर्बरता पर पाकिस्तान कितना भी झूठ बोले, कितना भी उसे छुपाने की कोशिश करे, झूठ बोलते पाकिस्तान के खूनी सबूत बोल रहे हैं जो बताते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार करते पाकिस्तानी सेना के हैवान आए थे और ये भारत के शहीद जवानों के शवों के साथ बर्बरता करके भाग गए थे। जिस तरह बदला लिए हैं उसी तरह बदला लेंगे। पाकिस्तान के नाल तोड़ जवाब देन, उन्होंने उन्होंने भी दस सिर लेने चाहिए। इन्होंने भारत में जो आक्रोश व्याप्त है, जो क्रोध है, आक्रोश है इस बर्बरतापूर्ण नृशंस हत्या पर, उसको विदेश सचिव ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बताया और उन्होंने ये भी बताया कि भारत सरकार इस घटना को समझती है कि ये सभ्यता के सारे ही जो मापदंड हैं उसके परे है, उनके विपरीत है और एक उकसाने की घटना भी है। उस बर्बरता की कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी जो बर्बरता उसने लाइन ऑफ कंट्रोल में पुंछ की कृष्णा घाटी में सोमवार को की थी, जब भारत के दो जवानों को पाकिस्तानी सेना के कायरों ने धोखे से मारा और सिर काट कर भाग गए। बेशर्मी इतनी कि इस क्रूर और कायर हरकत में भी उसे झूठ दिखता है, लेकिन बार बार झूठ बोलकर पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने कल पाकिस्तान के डीजीएमओ को फोन करके कहा था कि अब उसी तरीके के जवाब के लिए तैयार रहना। आज भारत के विदेश सचिव ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाकर देश के गुस्से को बताया। पाकिस्तान सबूत की बात कर रहा था, आज भारत ने इसका भी जवाब दे दिया। इस नृशंस हत्या के पहले जो पाकिस्तान की पोस्ट्स हैं नियंत्रण रेखा के उस पार, उनसे गोलीबारी करी गई हमारी तरफ और उन्होंने इस चीज़ को इस घटना को कवर करने के लिए जो पाकिस्तान की टीम एक्ट कर रही थी उसकी सहायता करी, उसको कवर फायर प्रोवाइड किया। जो खून के नमूने हैं जो हमारे सिपाहियों के हैं, खून के नमूने उनसे और जो खून की जो निशानदेही है, जो निशानी वहाँ पे ज़मीन पर है, उससे ये पता चलता है कि जो पाकिस्तान से आए थे वो पाकिस्तान में नियंत्रण रेखा पार करके वापस चले गए। कृष्णा घाटी के हमले में खून के नमूने पाकिस्तान की क्रूर और कायर हरकत के गवाह हैं। पाकिस्तान कितना भी मुंह छुपाता रहे, उसकी ऐसी क्रूर और कायर हरकतों का पुराना रिकॉर्ड रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है कि आतंकवादियों के साथ पाकिस्तानी सेना भी उन हमलों में शामिल रहती है जिनमें जवानों पर धोखे से वार करना और उनके शवों तक को शत विकसित करने की सोच रहती है। हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये घटना, ये हत्या पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने करी है और नियंत्रण रेखा को पार करके, नियंत्रण रेखा के इस पार आकर के उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और ये उन्होंने कृष्णा घाटी सेक्टर में किया। और इसलिए भारत सरकार ने ये मांग करी है पाकिस्तान से कि उनकी सेना में जो भी सिपाही या उनके कमांडर्स इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, उनके खिलाफ तुरंत उचित कार्रवाई करी जाए। पाकिस्तान क्या एक्शन लेगा? एक्शन तो अब भारत को लेना है, क्योंकि जो झूठ बोल रहे हैं वो सबूत भी क्या मानेंगे और उन्हें सबूत देने की जरूरत क्या है जब शहीद जवानों के बिलखते परिवार चीख चीख कर पाकिस्तान से बदला मांग रहे हैं। सबूत तो अब बदला लेने का दिया जाना चाहिए। एक सिर के बदले 50 सिर का बदला, दो शहीद जवानों के बदले 100 सिर वाला बदला। उन्हें पाकिस्तान के नाल तोड़ जवाब देन, उन्होंने उन्होंने भी 10 सिर लेने चाहिए। इन्होंने फिर ही सानू पता लगूगा कि परमजीत दी शहादत दा मुल की है। जवानों के सिर काटने वाली बात पर मुंह छुपा रहे पाकिस्तान के झूठ की तो लंबी लिस्ट ही नहीं, इतिहास ही पाकिस्तान के झूठ से भरा पड़ा है। कश्मीर में आतंकवाद वाली खूनी चालों से लेकर करगिल युद्ध तक
करगिल से लेकर मुंबई हमले तक, मुंबई हमले से लेकर पठानकोट और उड़ी हमले तक झूठ ही झूठ पाकिस्तान बोलता रहा है। पाकिस्तान ने तो सर्जिकल स्ट्राइक को भी झूठ बता दिया था। झूठ बोलकर हर बार पाकिस्तान बच नहीं सकता। We have faith in our army, capable है। जो माकूल जवाब होगा, जो सही तरीके से होगा, जो आर्मी ठीक समझेगी वो होगा ही। पाकिस्तानी सेना के चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल पर दौरा और इस दौरे के 24 घंटे के अंदर कृष्णा घाटी में भारत के दो जवानों के सिर काटे जाने की कायराना हरकत। पाकिस्तानी सेना ने सोची समझी चाल के तहत ये हमला किया है। पाकिस्तान के अंदर पावर के लिए पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के बीच लड़ाई चल रही है, जिसकी ही चर्चा आजकल पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान में जो कुछ भी हो, उसके अंदरूनी राजनीति में जो कुछ भी हो, लेकिन उसकी सेना के हैवानों ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के जवानों के साथ किया है, जब तक उसकी कीमत चुकाने वाला जवाब नहीं मिलेगा, तब तक उसे समझ में नहीं आएगा कि सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता करने का अंजाम होता क्या है, आतंकवादियों को पालने का अंजाम होता क्या है। बालकृष्ण के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। लेकिन सवाल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, सबसे पहले सवाल हमारी सोच का है। जवानों के सिर काटे जाने वाली बर्बरता पर पाकिस्तान सबूत मांगने वाली बात कर रहा है, हमने आज खून वाले सबूत के बारे में बता भी दिया। लेकिन ये उम्मीद करना कि इन सबूतों पर पाकिस्तानी सेना कोई कार्रवाई करेगी, ये किसी मजाक से कम नहीं है। पाकिस्तान से बेबस सोच के साथ नहीं लड़ा जा सकता है। सबूत दिखाने, शिकायत करने भर से पाकिस्तान न सुधरा है न अब सुधरेगा। पाकिस्तान से भी बड़ी समस्या तो ये कूटनीतिक परंपराएं ढो रही सोच है। पाकिस्तान का पानी बंद कर देने पर बेबसी, पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन पर बेबसी, पाकिस्तान से कूटनीतिक संबंधों पर बेबसी। बेबस होकर कैसे पाकिस्तान से बदला ले पाएंगे? हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये घटना, ये हत्या पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने करी है। देश के दो जवानों के सिर काटे गए और हम पाकिस्तान को सबूत देने की बात कर रहे हैं, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि क्रूर और कायर हरकत पर पाकिस्तानी सेना कार्रवाई करे, ये सोचना भी किसी मजाक से कम नहीं है। लेकिन आज भारत सरकार का आधिकारिक बयान और सोच यही दिखा रही है, ऐसी सोच से पाकिस्तान से लड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जहां तक सिंधु जल संधि का, इंडस वाटर्स ट्रीटी का सवाल है, वो 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जलों का बंटवारा है या उसकी शेयरिंग है, उसकी साझेदारी है, उसके बारे में है। वो मीटिंग जहाँ तक मुझे याद है मार्च के महीने में पाकिस्तान में हुई थी। जहाँ तक मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का मामला है, वो हमने 1996 में पाकिस्तान को दिया था। वो एक, आप ये ध्यान रखिए कि ये WTO के अंतर्गत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक ऑब्लिगेशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम ये करें। पाकिस्तानी सेना की क्रूर हरकत पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाकर शिकायत जैसा कर देना, क्या ऐसे ही बेबस होकर पाकिस्तान से लड़ा जा सकता है? आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मीडिया के सामने आए तो सवाल ये हुआ कि पाकिस्तान को पानी बंद कर देने पर क्या हुआ, पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन पर दर्जा छीनने की बात पर क्या हुआ? जवाब ऐसा था जैसे हाथ खड़े कर देने वाला। The denial itself carries no credibility. On such a heavily guarded border, where posts are within few meters of each other, this can't happen without the protection of the or the participation or the actual indulgence of the army. जब ये सब नहीं कर सकते तो कैसे पाकिस्तान से लड़ेंगे हम? क्योंकि पाकिस्तान तो मानेगा नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान के कई आतंकी कैंपों को तबाह किया था, लेकिन इस साल फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी कैंप 35 से बढ़कर 55 हो गए। आतंकी कैंपों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकवादियों की हलचल बढ़ी है। हमें खुफिया एजेंसियों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पिछले 4 महीने में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बड़ी संख्या में फिर से आतंकवादी इकट्ठा हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकवादियों को एक्टिव कर दिया है। LOC के बेहद करीब 25 से 30 आतंकी लॉन्चिंग पैड एक्टिव हो चुके हैं। इन आतंकी लॉन्चिंग पैड में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ही नहीं बल्कि तालिबानी और अफगानी आतंकवादियों को भी कश्मीर में घुसपैठ करने और भारतीय सेना पर हमले के लिए तैयार किया गया है।
पिछले साल सितंबर महीने में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान ने नई जगहों, नए लोकेशन में टेरर कैंप बनाए हैं। नए रास्तों पर आतंकवादियों को इकट्ठा करने और प्रैक्टिस करने का इंतजाम किया गया है और घुसपैठ के लिए प्लान तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना की इस आतंकी सोच को ध्वस्त करने वाला सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट टू हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो आतंकी कैंप पीछे चले गए थे वो एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और 20 नए आतंकी कैंप इस वक्त बनाए गए हैं। यही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर के रास्ते से घुसपैठ करने के लिए 8 नए रूटों का इस्तेमाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आतंकियों के लिए इस वक्त कर रही है। दिल्ली से कैमरामैन वरुण कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। खबरदार में अब हम आपको दुनिया के पहले आयुर्वेद रिसर्च सेंटर के अंदर ले चलेंगे, जिसे स्वामी रामदेव की पतंजलि योगपीठ ने हरिद्वार में तैयार किया है और जिसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको दुनिया के पहले आयुर्वेद रिसर्च सेंटर की ज्ञानवर्धक यात्रा पर लेकर चलें, आपको इस आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। हरिद्वार में बने दुनिया के पहले आयुर्वेद रिसर्च सेंटर को स्वामी रामदेव के पतंजलि योगपीठ ने तैयार किया है। पतंजलि आयुर्वेद रिसर्च सेंटर 2 साल में 200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जहां 1000 से ज्यादा जड़ी बूटियों का क्लिनिकल ट्रायल करके वैज्ञानिक आधार पर आयुर्वेदिक दवाएं बनाई जाएंगी। इस आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर में 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों की टीम चूहे और खरगोश जैसे जीवों पर जड़ी बूटियों का ट्रायल करेगी। मुख्य तौर से आयुर्वेद रिसर्च सेंटर में कैंसर की दवा पर रिसर्च की जाएगी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों की दवाओं पर भी रिसर्च होगा। पतंजलि आयुर्वेद रिसर्च सेंटर की खूबियां सुनने के बाद आज तक की टीम जब पतंजलि आयुर्वेद रिसर्च सेंटर का जायजा लेने पहुंची तो खुद स्वामी रामदेव एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद रहे और रिसर्च सेंटर में मौजूद अत्याधुनिक मशीनों और तकनीक के बारे में बहुत मंजे हुए वैज्ञानिक की तरह जानकारी देते रहे। इसे चलिए आपको ले चलते हैं दुनिया के पहले आयुर्वेद रिसर्च सेंटर की सैर पर, जहां आपका साथ देने के लिए खुद स्वामी रामदेव मौजूद है। यह है वर्ल्ड क्लास मशीनों और तकनीकी से सुसज्जित दुनिया का पहला आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, जिसे तैयार किया है योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ ने। आज तक ने जब इस आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर का जायजा लिया तो बतौर एक्सपर्ट बाबा रामदेव हमारे साथ मौजूद रहे। अभी तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए यहाँ पर एंट्री मिल गई है, ये लैब चालू होने के बाद आपको भी इंटरव्यू नहीं मिलेगा लैब के अंदर। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं दुनिया की पहली आयुर्वेद रिसर्च लैब में, जहां आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने के लिए जड़ी बूटियों का क्लिनिकल ट्रायल होगा। इस आयुर्वेदिक रिसर्च लैब में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और दवाओं को दुनिया भर में वैज्ञानिक मान्यता दिलाई जा सकेगी, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया आयुर्वेद को दवा के तौर पर मान्यता नहीं देती। आप देखिए, इतना बड़ा अपना देश है और इस देश में अभी तक किसी सरकार ने या किसी गैर सरकारी क्षेत्र में आयुर्वेद में इस तरह से ड्रग डिस्कवरी का काम, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का काम, माने आयुर्वेद की जो अलग अलग जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, भस्म हैं, रस रसायन हैं, पिष्टियां अवले हैं, पाक हैं, चूर्ण हैं, वटी हैं, तेल हैं, इनको बनाया तो जा रहा था, बेचा भी जा रहा था, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई काम न तो सरकार के द्वारा किया जा रहा था न प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जा रहा था। इसलिए हमने ये पूरा तामझाम जिसको बोलते हैं, पूरा जो साइंटिफिक पूरा स्ट्रक्चर पूरा खड़ा किया कि अब पूरी दुनिया आयुर्वेद की दवाओं को भी दवा का दर्जा दे, इसके लिए ये प्रयास शुरू किया है। पतंजलि आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर में 8 से ज्यादा रिसर्च लैब बनाई गई, जिसमें अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियों पर रिसर्च कर आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई जाएंगी। 200 वैज्ञानिकों की टीम इस आयुर्वेदिक रिसर्च लैब में तैनात है।
पतंजलि अनुसंधान केंद्र के एक बहुत ही अहम हिस्से में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर सारी लैब्स हैं और यहीं पर रिसर्च के काम को पूरी तरह से किया जाता है। स्वामी जी, आप एक्सप्लेन करिए हमें यहाँ पर किस किस तरह के लैब्स हैं और क्या क्या काम होता है। सबसे पहले आपको ये जो हमारी टिश्यू कल्चर लैब है, वैसे टिश्यू कल्चर सुनते ही आदमी जो है ना वो पेड़ पौधों के टिश्यू से जो है पेड़ पौधे तैयार करते हैं ऐसा सोचते हैं। ये बीमारियों से ग्रस्त जो टिश्यू है उनको हम यहाँ लेकर के आते हैं और उनको यहाँ लेकर के उनको पहले बढ़ाते हैं और उनको बढ़ाने के बाद उनके ऊपर अलग अलग ड्रग्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये तीन दरवाजों के भीतर बंद है। यहाँ से हमने तीन दरवाजे पार किए हैं लेकिन इसके साथ ही हमने पूरा प्रिकॉशन लिया है हाइजीन को ख्याल रखते हुए, पैरों को कवर करने से लेकर हाथों को सैनिटाइज करने तक ये सारे प्रोसेस से हम गुजरते हुए अब टिश्यू लैब के अंदर पहुंच चुके हैं जी। और ये जो टिश्यू लैब है इसके अंदर राम गुप्ता जी, ये हमारे यहाँ के चीफ साइंटिस्ट हैं, ये भी इसमें क्या करते हैं? ये हमारा CO2 इंक्यूबेटर है, तो सेल्स को ग्रो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए 5% उनको मल्टीप्लाई करते हैं और 95% ऑक्सीजन चाहिए। तो ये एनवायरनमेंट हमें देना पड़ता है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है जिसमें सेल्स ग्रो करते हैं। तो तरीके तरीके के ये सेल्स हैं, यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट हैं, ये सेल्स को पहले यहाँ पे ग्रो करते हैं, देन इसको यहाँ पे रख देते हैं और इसमें सेल्स ग्रो होती रहती है। अब हम अगली लैब की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर से एक बार तीन लेयर से हमें गुजरना होगा और अगली लैब में क्या प्रोसेस है, क्या तरीकों से पूरे रिसर्च को अंजाम दिया जाता है वो देखना होगा। अब हम एक नए लैब में यहाँ दाखिल हो रहे हैं। इधर क्या क्या करते हैं? ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है फ्लो साइटोमेट्री जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है फैक्स करके बोलते हैं, फ्लोरिसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर। तो जो भी आपको सेल्स आपने वहाँ पे इंक्यूबेट करी जो आपको टिश्यू कल्चर लैब में दिखाया था उसमें एक स्पेसिफिक वीड्स डाल देते हैं जिसके साथ फ्लोरिसेंस लगा होता है और यहाँ पे सैंपल अपना लगाते हैं और उसके हिसाब से हमारा सेल्स यहाँ पे आपको चैनल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स होते हैं, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, तो उससे पता चलता है कि हमारा सेल्स किस पर्टिकुलर कंडीशन में आ रहा है। तो इसका मतलब ये पता लगेगा कि जो हमारे जैसे हम टेस्ट करते हैं ना कि हमारा जो है SGOT SGPT कितना है, ब्यूरिन कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, शुगर लेवल कितना है, अलग अलग जो हमारे बॉडी की जो बायोकेमिस्ट्री है वो कैसे चेंज हो रही है इन ड्रग्स के सेवन करने से, उसको हम यहाँ लैब में देख सकेंगे। आयुर्वेदिक दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल वाली इस इकलौती लैब में एक एनिमल हाउस भी बनाया गया है जिसमें चूहे खरगोश जैसे जानवरों पर जड़ी बूटियों का ट्रायल करके बीमारियों की कारगर आयुर्वेदिक दवाओं पर रिसर्च किया जाएगा। पतंजलि अनुसंधान केंद्र के क्लीन एरिया के एनिमल फैसिलिटी एरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं और स्वामी रामदेव से हम ये समझेंगे कि इस कमरे की खासियत क्या है, क्योंकि यहीं पर जिन पर टेस्ट किया जाना है वो जानवर रखे जाएंगे। कुछ जानवर आप यहाँ देख भी रहे हैं, चूहों को रखा गया है। ऐसे करीब 1000 एनिमल्स को यहाँ पर रखने की व्यवस्था है और इनके लिए बहुत ये प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट है। उनकी इम्यूनिटी पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी क्योंकि जब चूहों की, खरगोशों की, एनिमल्स की इम्यूनिटी खत्म कर दी जाती है फिर उनको कैंसर किया जाएगा। यहाँ कैंसर की बात नहीं है, अलग अलग जीवों को अलग अलग बीमारियां की जाएंगी। किसी को मोटापा किया जाएगा, किसी को शुगर, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को SLE, किसी को MS, किसी को ऑटोमन डिजीज, किसी को और दूसरे प्रकार के ब्रेन डिसऑर्डर्स, साइको समय डिफरेंट डिजीज की जाएंगी। यहाँ उनको रख करके फिर उनको कैंसर पैदा करके फिर जो है यहाँ रखा जाएगा, उनको यहाँ रख करके फिर उनको मापा जाएगा कि कैंसर बॉडी के किस किस पार्ट में कितनी स्पीड से डेवलप हो रहा है और फिर उन्हें को दवाइयां दी जाएंगी कि फिर वो कैसे कैसे घट रहा है। पतंजलि आयुर्वेदिक रिसर्च लैब की एक बड़ी खासियत ये है कि ये भारत का पहला और अकेला रिसर्च सेंटर होगा जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं के परीक्षण के लिए नैनो स्टीक नाम की एक अत्याधुनिक मशीन लगाई गई है जिसके जरिए जड़ी बूटियों के रिसर्च करके कैंसर की कारगर दवा खोजी जाएगी। अब स्वामी जी, जिन जड़ी बूटियों के बारे में हम बात करें, आपने कहा 1000 से भी ज्यादा जड़ी बूटियां यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, कहाँ कहाँ से वो लाई जा रही है? 1000 जड़ी बूटियों का जो है आपको अंदर ही दर्शन करवा देंगे यहाँ हर्बल पार्क में। यहाँ दो तरह की जो है हमारे इक्विपमेंट है, एक तो यहाँ पर जो है जब वो जो ड्रग तैयार हो गया उसका पूरा प्रोसेस पूरा कर लिया और उसके बाद उसको किसी जीव जंतु को दे दिया गया है, उसके बाद देने के बाद उसके अंदर क्या प्रक्रिया हुई है
लीवर में, किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में, बॉडी में उसका क्या इफेक्ट हुआ है, तो उनके ऑर्गन्स को फिर काट लिया जाता है। दवा खिलाने के बाद में उसके चिप्स काट देते हैं जैसे आलू के चिप्स काट देते हैं, तो ऐसे उनके आलू की तरह चिप्स काट दिए। फिर उनको चिप्स को काटने के बाद वो खराब ना हो जाए इसके लिए उसको वैक्सीनाइज करते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, फिर यहाँ ला करके उसका अल्टीमेट रिजल्ट देखते हैं कि उसके ऊपर अच्छा या बुरा किसी भी दवा का क्या असर हुआ, उसको यहाँ पर मापते हैं। पतंजलि रिसर्च सेंटर में ही हर्बल रिसर्च डिपार्टमेंट भी खोला गया है, जहां आयुर्वेदिक और हर्बल चिकित्सा पद्धति पर शोध किया जाएगा। ये तो 70,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों पर हमने वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया विश्व भेषज संहिता, जिसमें करीब 20,000 से ज्यादा तो हमने ऋषि परंपरा के अनुकूल श्लोक बना करके, जैसे चरक, शोध, धन्वंतरी, वाग्भट आदि ऋषियों ने निघंटो आदि ग्रंथों में अलग अलग जगह जहाँ आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का वर्णन किया था, उस परंपरा को हमने एक तो उसका जो है पूरा साइंटिफिक उसका डॉक्यूमेंटेशन, और फिर उसके ऊपर पूरा जो है उसकी हमने पूरी की पूरी कैनवास के ऊपर पेंटिंग तैयार की है, करीब 30,000 पेंटिंग तैयार की है, बाकी करीब 60,000 पेंटिंग तैयार होंगी, और उनके गुणों से दुनिया वाकिफ होगी पहली बार। बाबा रामदेव के इस आयुर्वेद रिसर्च सेंटर में एक म्यूजियम भी तैयार किया गया है, जहां बड़े ही रोचक तरीके से आयुर्वेद और जड़ी बूटियों से दवाएं तैयार करने की विधियों के बारे में बताया गया है। अब यहाँ महर्षि धन्वंतरी, महर्षि चरक, उनके बारे में जो लिखा हुआ भी है कि महर्षि चरक कौन थे, महर्षि धन्वंतरी कौन थे, उनके चित्र भी यहाँ पर बनाए गए हैं, दाएं तरफ, बाएं तरफ, दोनों तरफ आप देख रहे हो। फिर यहाँ जो योग की जो मुद्राएं हैं, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, वायु मुद्रा, ये अलग अलग जो मुद्राएं हैं उनके इफेक्ट, इधर बाएं तरफ फिर जो है आयुर्वेद के कैसी कैसी आयुर्वेद विकसित हुआ, पहले उखली मुसली में दवाइयां डाल के खरल में घोटा मार करके तैयार करते थे। हमने जो भी काम किया साइंटिफिक पैरामीटर्स के साथ किया, मैंने कभी भी शनि की तो राहु, भूत प्रेत, ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास बढ़ाने वाला काम नहीं किया मैंने, चाहे योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, या पूरे जीवन दर्शन के बारे में जो दृष्टि रखी वो वैज्ञानिक दृष्टि रखी। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी रामदेव जी, आप स्वस्थ रहें, और आपने जो ये इनिशिएटिव शुरू किया है, जो जिन उम्मीदों के साथ किया है, वो उम्मीदें भी जरूर पूरी हो। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। अब आयुर्वेद को पूरी दुनिया में पहचान मिल रही है, जिसकी तस्दीक करने वाले कुछ तथ्य आपको बताते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII के मुताबिक भारत में अभी सालाना 10,000 करोड़ रुपए की आयुर्वेदिक औषधियां बनाई जा रही हैं, जिनमें से 3600 करोड़ की आयुर्वेदिक औषधियों को दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। भारत में आयुर्वेदिक दवाओं के बाजार में सालाना 15-20% की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। अगले 10 साल में आयुर्वेदिक दवाओं का कारोबार 3 गुना तक बढ़ जाएगा। भारत में इस वक्त आयुर्वेदिक कारोबार से जुड़ी 30 कंपनियां हैं। आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल भारतीय आयुर्वेद उद्योग में हर साल 1,000 करोड़ रुपए के औषधीय पौधों की खपत होती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 4,00,000 रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की 79% ग्रामीण आबादी पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करती है। भारत दुनिया में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और इसीलिए इसे बोटानिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का वनस्पति उद्यान भी कहा जाता है, और भारत का आयुर्वेद अब पूरी दुनिया में नाम कमाने लगा है।